स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले में बढ़ती गर्मी के साथ ही लगातार बादलों की लुका छुपी का खेल भी जारी है। अप्रैल के महीने में जहां एक तरफ गर्मी में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ हवाओं के चलने और बादलों के आसमान में छाए रहने का क्रम बना हुआ है। शनिवार को जिले का तापमान बीते दिन से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी बीते दिन की अपेक्षा 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब दो दिन बाद जिले के तापमान में फिर इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में चक्रवात निर्मित है, वहीं पूर्वी विदर्भ से लेकर तमिलनाडु तक द्रोणिका बनी हुई है। इन कारणों से जिले में बादलों की आवाजाही हो रही है, साथ ही मौसम परिवर्तन का क्रम लगातार बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी कि 7 से 10 अप्रैल तक ओले बारिश का दौर रहेगा। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में आंधी चलने का भी अनुमान है। इसके चलते मौसम वैज्ञानिकों ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल में रविवार तड़के बिजली कड़कने के साथ बारिश हुई। बादलों के बीच धूप भी निकल रही है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल को सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। इससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा समेत पूरे प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं ओले आंधी का दौर जारी रह सकता है। अप्रैल में पहली बार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से स्ट्रांग सिस्टम की एक्टिविटी है। इस कारण आंधी, बारिश, ओले और आकाशीय बिजली की गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। हम आपको बता दें कि अप्रैल महीने में प्रदेश में आंधी बारिश का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 7 साल बारिश हुई थी, इस बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। पूरे प्रदेश के भीगने की संभावना है। सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर सिंह ने बताया कि चक्रवाती हवाओं में और ज्यादा सक्रियता आने लगी है। इसके अलावा उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव है। अगले 1-2 दिन में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और स्ट्रांग होगा। इससे मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में नमी का फ्लो बना रहेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से में भी असर रहेगा। 10 अप्रैल को सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा। इस दिन पूरे प्रदेश में बारिश, ओले और आंधी का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इस दिन के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।